हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके इंजीनियरिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स वन में। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि आज हम ये देखेंगे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जो कोई भी फॉर्मूला बनता है, वो बनता कैसे है, हम उसको बनाते कैसे हैं, वो आज हम सीखने जा रहे हैं। कि हम बोलते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, तो वो बनते कैसे हैं फॉर्मूले, ये हमने देखना है यूजिंग डिमेंशनल एनालिसिस, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये काफ़ी क्वेश्चन 10 मार्क्स का क्वेश्चन 2018 में डिप्लोमे वालों को आया है, तो प्रीवियस भी काफ़ी बार आया हुआ है क्वेश्चन। और ये प्लस वन नॉन मेडिकल कर रहे हैं और मेडिकल कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेई मेन के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसकी स्मार्ट ट्रिक भी बताऊँगा कि इसको कैसे, अगर गलत हो जाए तो लास्ट में कैसे इसको ठीक करना है। तो पहले हम इसको देखते हैं, बाद में मैं इसकी ट्रिक भी बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है क्या, ए बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, कि एक बॉडी है हमारी, उसका मास m है, वो एक यूनिफॉर्म, एक लगातार एक ही स्पीड पे, यूनिफॉर्म स्पीड v पे सर्कल रेडियस उसका है r, वो बेसिकली मूव करती जा रही है। तो उसका रेडियस क्या है, r, वो मूव करती जा रही है। अब हमने उसका निकालना है, फाइंड द सेंट्रीपिटल फोर्स एफ बाय द मेथड ऑफ डिमेंशन। हमने सेंट्रीपिटल फोर्स उसकी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, सर देखने में काफ़ी टफ लग रहा है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देखिए जैसे मैं करता हूँ। अब हमें फॉर्मूला कुछ नहीं पता, हमें ये पता है कि एक सर्कल पर, ऐसे एक एक सर्कल है, उसका रेडियस आर है और उस पर एक बॉडी ऐसे मूव करती जा रही है, उसकी वेलोसिटी है v, तो हमने इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स और यहाँ पर कितनी फोर्स लग रही है वो निकालनी है। तो उसका फॉर्मूला भी मुझे पता है, बट मैं आपको पहले निकालना सिखाता हूँ। इसका मतलब जो फोर्स है वो किस किस पे डिपेंड कर रही है, तो वो चीज़ हम देखेंगे। अब हमें ये नहीं पता वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है कि इन्वर्सली, मीन्स सीधी जा रही है, अगर फोर्स बढ़ने से, वो चीज़ बढ़ने से फोर्स बढ़ रही है कि कम हो रही है, ये हमें कुछ नहीं पता, तो हम डायरेक्टली ही मानेंगे कि बढ़ रही है। तो हम पहले क्या देखेंगे कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m, तो मास, तो हमें मास दिया है, हम मास लिख देंगे, तो ये प्रोपोर्शनल का निशान होता है, सामने सामने लिख देंगे तो डायरेक्टली है, एक बाय लिख देंगे, वन बाय लिख देंगे, वन डिवाइड बाय लिख देंगे, तो उसको इन्वर्सली बोलते हैं। तो m f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, और ऐसे ही f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और हमारे पास एक r है, और f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और किसका है, m, और एक v भी है वेलोसिटी, तो यहाँ पर हम पहले वेलोसिटी ले लेंगे। तो यहाँ पर f हमारा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये v है, f हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r भी है, और यही हमारे पास बस है जिसको हमने देखना है। अब इसकी पावर x लिख देंगे, इसकी पावर y लिख देंगे, और इसकी पावर z लिख देंगे, और हम इसको क्या मान लेंगे, 1, इसको हम 2 मान लेंगे, और इसको हम 3 मान लेंगे, तो हम ये सभी कुछ डायरेक्टली हमने मान लिया है। अब हम इसको करेंगे कंबाइन, अगर हम इसको कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, कंबाइन 1, 2 एंड 3, अगर हम तीनों को कंबाइन करते हैं तो क्या बनेगा, f का f आ जाएगा डायरेक्टली, m आ जाएगा, इसकी पावर x आ जाएगी, v की पावर y आ जाएगी, और r की पावर z आ जाएगी। तो यही था हमारा। अब हम इसको कैसे करेंगे, अब हम इसका बस डिमेंशन एनालिसिस का मतलब हमने डिमेंशनल फॉर्मूला जो है वो लगाना है, तो कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। अब हम इसको m की पावर, ये क्या है फोर्स, तो फोर्स का डिमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स हमें नहीं पता, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास का m होता है, एक्सेलरेशन होती है lt-2। तो ये मैंने काफ़ी बार बोला है कि आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद ही रख लो कि lt-2 होता है। तो ये f इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा k m की पावर x, v की पावर y और r की पावर z बन जाएगा, और इसको हम इक्वेशन 4 मान लेंगे। अब हम इसको देखते हैं, फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, मास
into acceleration means LT minus 2 जो कि मैंने लिखा हुआ है, अब ऐसे लिख दिया है और K ऐसे ही आ जाएगा। और ये क्या है मास, मास का क्या होता है M, इसकी पावर X आ जाएगी। और ये क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या फॉर्मूला क्या होता है LT minus 1, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ये आपने याद ही कर लेने हैं, वेलोसिटी LT minus 1, एक्सेलरेशन LT minus 2। अगर नहीं पता आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देखिए आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं सीधा लिख देता हूँ LT minus 1 और इसकी पावर y और रेडियस, रेडियस क्या है लेंथ ही मीटर में होता है, तो ये बन जाएगा L, L means लेंथ, तो इसकी पावर z। तो अब इसका क्या बनेगा m की पावर, ये कुछ नहीं है तो 1, L की पावर 1, T की पावर माइनस 2 और ये आ जाएगा k और ये क्या आ जाएगी m की पावर x, ठीक है, और ये क्या बन जाएगी L की पावर y, T की पावर माइनस y, ऐसे बन जाएगा और L की पावर z बन जाएगा। अब हमने इसको जस्ट सॉल्व कर देना है, तो ये m की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर माइनस 2, हमने निकालना क्या है k, तो हमने इसकी वैल्यू बेसिकली x, y, z की वैल्यू निकालनी है। अब ये m की पावर x बन जाएगा, L की पावर ये है और L की पावर ये है, दोनों का बेस सेम है, तो हम लिखेंगे L, इन दोनों को प्लस में लिख देंगे, तो y, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो y प्लस z लिख देंगे। बेस अगर सेम होगा तो हम इसको एक ऐसे लिख सकते हैं। और T की पावर क्या बन जाएगा माइनस y, तो ऐसे बन जाएगा। अब हम इसको कंपेयर करते हैं तो ये क्या बनेगा x, तो x क्या बन जाएगा, x हमारा बन जाएगा 1 और y हमारा ये क्या है, ये 1 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा y प्लस z के। और हमारा t माइनस 2 किसके आ जाएगा माइनस y के, तो ऐसे बन जाएगा। इससे क्या पता चल रहा है हमें, तो ये हमें पता चल रहा है माइनस से माइनस कट जाएगा और ये हमारा बन जाएगा y इज इक्वल टू 2 और यहाँ y की वैल्यू फिल करेंगे 1 इज इक्वल टू 2 प्लस y, यहाँ पर इधर चल जाएगा तो z क्या बन जाएगा, ये 2 इधर जाके 1 माइनस 2 बन जाएगा, तो z की वैल्यू माइनस 2 में से 1 करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। तो ये बेसिकली x, y और z ये तीनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। तो हम पुट कर देंगे पुट इन इक्वेशन फोर्थ, तो हम इस फोर्थ इक्वेशन में जो हमने ये वाला था ये वाला हमने इसमें पुट कर देंगे, तो f इज इक्वल टू k, यही था f इज इक्वल टू k m की पावर, तो ऐसे था x इज इक्वल टू k m की पावर x, v की पावर y और r की पावर z। तो यहाँ पर हमारा ये k की वैल्यू 1 आ जाएगी क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 ही लिखेंगे, बाय डिफॉल्ट 1 ही होती है। और f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, m की पावर x की पावर क्या है 1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 और v की पावर क्या है 1, तो 1 लिख देंगे और r की पावर क्या है, ये क्या है बेसिकली, तो y की पावर है 2, तो y की पावर बेसिकली 2 है, तो y की पावर यहाँ 2 लिख देंगे और यहाँ पर r की पावर है माइनस 1, तो माइनस 1 लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा f इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r, तो ये बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स, इसमें के हम c डाल देते हैं, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का जो है वो फॉर्मूला बन जाएगा। तो यही हमने निकालना था, जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है डिप्लोमे वालों को आया हुआ है और 5 मार्क्स का और 3 टू 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो प्लस 1 को आता है। अब आप बोलोगे कि सर इतनी बड़ी हमने डेरिवेशन कर दी, अगर इसमें कुछ ना कुछ, बेसिकली तो ये सिंपल है, अगर सर गलत हो जाए तो हम इसको कैसे ठीक करेंगे, तो मैं वो आपको ट्रिक भी बता देता हूँ। अगर आपको बस सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पता होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो बेसिकली हमने इसको क्या माना था,
ये हमारी थी वन और ये भी वन है, तो ऊपर जाके ये बेसिकली हमने इसको क्या माना था, इसको हमने माना था एक्स, तो ये हमने एक्स माना था, तो ये बेसिकली ये एक्स माना था, तो इसका मतलब ये एक्स है, तो एक्स की वैल्यू क्या है वन, और ये हमने क्या माना था वाई, वाई की वैल्यू क्या आएगी टू, और ये जेड, जेड की वैल्यू क्या आएगी वन, बट ऊपर जाके क्या बन जाएगा माइनस वन। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो x की वैल्यू है वो 1 आनी चाहिए और y की वैल्यू 2 आनी चाहिए और z की वैल्यू माइनस 1 आनी चाहिए, क्योंकि ये नीचे कभी नहीं होता, ऊपर ही हमने डायरेक्टली सभी को माना था, इसलिए ये नीचे आ गया है, ऊपर जाके माइनस 1 ही होगा, इसलिए z की वैल्यू हमारी माइनस 1 आनी चाहिए। तो ये बेसिकली अगर फॉर्मूला आता होगा तो ट्रिक भी आपको पता चल जाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अगर कोई बॉडी सर्कल में घूम रही है तो सेंट्रिपिटल फोर्स जो अंदर की तरफ बॉल जो सेंट्र अंदर की तरफ फोर्स लगती है जो हमने जो हमें गिरने से बचाती है वो इसका फॉर्मूला ये होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया जल्दी से जल्दी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और इसकी जो PDF है जो इसके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा उसको डाउनलोड कर लीजिए, इसको आप जो इसके जो नोट्स है उसको जो PDF फाइल है उसको डाउनलोड करके आप इसको सीख सकते हैं और कर सकते हैं। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए।